Standard 2nd. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 15, the worlds of animals, and learn different kind of animals and their food. Now today we are going to learn uses of animals. Animals are very useful to us. They gives us many things and also help us in different ways. कि भाई जानवर है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल मतलब उपयोगी है और वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं और वो अलग अलग तरह से हमें मदद भी करते हैं। यहाँ पर ये बुलोक कार्ट दिखाया है मतलब बैलगाड़ी कि जिसमें आप कोई भी सामान लेकर यहाँ से वहाँ जा सकते हो। हॉर्सेस एंड बुलोक्स पुल कार्ट्स एंड वेगन्स दे कैरी हैवी लोड्स फॉर अस। मतलब कि जो घोड़े होते हैं और जो बैल हैं वो ऐसी कार्ट मतलब गाड़ी होती है उसको खींचने में मदद करते हैं, और वेगन्स वेगन्स मतलब जो ऐसा कोई भी व्हीकल जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है उसको हम वेगन्स बोलते हैं, और वो भारी सामान भी उठाते हैं। तो ये है बुलोक्स। नाउ हेंस हेंस एंड डक्स ले एग्स। एग्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ। मतलब जो मुर्गियां होती है और जो बतकें होती है वो अंडे देती है, और जो अंडे हैं वो हमारे खाने के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज अ काउ। Cows, goats and buffaloes give us milk. गाय है, buffalo मतलब भैंस और goat मतलब बकरियाँ, तो वो हमें दूध देती है। ये है sheep और ये है goat. Sheep give us wool. Wool is used to make woolen clothes. ये sheep की बॉडी पर ये जो बाल दिखते हैं आपको उसको वुल बोलते हैं, और वुल है उसमें से वुलन क्लोथ्स बनते हैं जो कि सर्दी की सीजन में हम पहनते हैं जिससे हमें ठंडी नहीं लगती, स्वेटर मफलर स्कार्फ एक्सेट्रा। वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स सच एज हेंस एंड गोट्स। ये बकरी है तो हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो बकरी और मुर्गी का मांस भी खाते हैं। नेक्स्ट, डॉग्स। डॉग्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। मतलब डॉग की सूंघने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। दे गार्ड अवर होम्स। गार्ड मतलब रक्षा करता है, तो जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। कैट्स कीप माइस अवे। और जो बिल्ली होती है उससे घर में चूहे नहीं आते, तो वो चूहों को घर से दूर रखती है। ये है हनी बी मतलब मधुमक्खी। हनी बीस मेक हनी फॉर अस। हनी इज गुड फॉर अवर हेल्थ। हनी बी है वो मध बनाती है, और मध हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नाउ डू यू नो हनी बी विजिट 50 to 100 फ्लावर्स ड्यूरिंग अ कलेक्शन ट्रिप। ये जो हनी बी होती है वो जब फूलों का रस चूसने निकलती है तो एक ही ट्रिप में मतलब जैसे वो अपने छत्ते से निकली और वहाँ से फिर वापस छत्ते में आए तब तक 50 से 100 फूलों पर वो घूमती है, तब उसे थोड़ा सा नेक्टार मतलब फूलों का रस मिलता है। तो देखो वो कितनी मेहनत करती होगी, है ना। फिर है ये है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म मतलब वन टाइप ऑफ वर्म है। वर्म मतलब कीड़ा जिसको गुजराती में हम ईयड़ बोलते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है जो कि मलबरी बुश के पेड़ पर ये ग्रो होते हैं, फिर वो ककून बनाते हैं
और इनके ककून जब तैयार हो जाते हैं तो उनको घोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। फिर उसमें से फाइबर्स बनते हैं और उनमें से थ्रेड बनकर सिल्क बनता है। तो इस तरह से जो सिल्क बनता है वो हजारों ककून को मार कर बनता है। इसलिए आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू दैट डोंट यूज सिल्क क्लॉथ्स, क्योंकि सिल्क के कपड़े दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बहुत सारे जीवों की हत्या करके बने होते हैं। अ सिंगल सिल्क वर्म कैन प्रोड्यूस अप टू 15 मीटर ऑफ फाइबर इन अ मिनट, कि एक ऐसा छोटा जो ककुन है वो एक मिनट में 15 मीटर तक का फाइबर बना लेता है। वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी चमड़ी से हम लेदर मतलब चमड़ा बनाते हैं, सच एज कैमल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल। लेदर इज यूज टू मेक शूज, पर्सेस, बेल्ट्स एंड बैग्स। कैमल मतलब ऊंट, स्नेक मतलब सांप और क्रोकोडाइल मतलब मगर। तो इनकी चमड़ी से हम चमड़ा मतलब लेदर बनाते हैं और लेदर का यूज है वो जूते बनाने में, पर्स बनाने में, बेल्ट बनाने में और बैग बनाने में होता है। नाउ टाइम टू आंसर, चूज द राइट वर्ड। नंबर वन, डॉग्स ऑब्लिक कैट्स गार्ड अवर होम्स, कि भाई डॉग या कैट कौन हमारे घर को रक्षा करता है, तो डॉग। नंबर टू, काउस गिव अस एग्स ऑब्लिक मिल्क, गाय है वो हमें क्या देती है, एग देती है या मिल्क, तो मिल्क। नंबर थ्री, शीप्स ऑब्लिक हैंड्स गिव अस वूल, हमें वूल कौन देता है, शीप देता है कि हेन देती है, तो शीप देता है। नंबर फोर, हॉर्सेस ऑब्लिक हैंड्स हेल्प अस कैरी हेवी लोड, भारी वजन उठाने में हमें ये मदद करते हैं, घोड़े या हेन मतलब मुर्गियाँ, तो घोड़ा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स मतलब जानवरों की रक्षा। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ, ऑल द लिविंग थिंग्स मतलब सारी जो जिंदा चीजें हैं वो हैव अ राइट, राइट मतलब अधिकार है, टू लिव ऑन द अर्थ जमीन पर रहने का, पृथ्वी पर रहने का, मतलब जितनी भी जिंदा चीजें हैं उन सब को पृथ्वी पर जिंदा रहने का हक है। सो वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, तो इसलिए हमें जानवरों के प्रति काइंड मतलब दयालु होना चाहिए। वी शुड नॉट डू थिंग्स दैट हार्म देम, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, तो हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो जानवरों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर फर्स्ट, वी शुड मतलब ये पॉइंट्स है, मैं ऐसे ही नंबर बोल रही हूँ। We should not cut down forest as they are a home for many animals, कि सबसे पहले तो हमें जंगल नहीं काटने चाहिए क्योंकि जंगल बहुत सारे जानवरों का घर होता है। Animals become homeless when we cut down trees and forest. होमलेस मतलब बेघर, कि जब हम जंगल काट देते हैं या ट्रीज काट देते हैं तो जानवर हैं वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। आप सोचो कि आपका घर ना रहे तो आप कहाँ जाओगे, है ना। नेक्स्ट,
We must protect animals and their homes. कि भाई हमें जानवरों को और उनके घरों को बचाना चाहिए. Next, we should not kill or hunt animals for our benefit. Benefit मतलब हमारा फायदा. कि भाई हमें अपने फायदे के लिए जानवरों को ना ही मारना है और ना ही उनका शिकार करना है. किल मतलब मारना और हंट मतलब उसका शिकार करना. और फॉर आवर एन्जॉयमेंट और ना ही अपने आनंद के लिए उनको मारना या शिकार करना है. कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वो ऐसे ही बस अपने एन्जॉयमेंट के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. We must give proper food and clean water to our pets. कि भाई हमें हमने जो घर पर पेट्स रखे हैं पालतू जानवर उनको भी सही खाना और स्वच्छ पानी रेगुलर टाइम पर देना चाहिए. कुछ लोग क्या करते हैं घर में पेट तो रख लेते हैं लेकिन फिर उसका ख्याल नहीं रखते. आपने देखा होगा यूट्यूब में और कैसे जानवर बेचारे तकलीफ़ में होते हैं फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है. तो हमें ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और मेरा लेक्चर भी. अगले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे. टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन.